नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को स्टडी दिमाग से में। हम आप लोगों के लिए ले आए हैं एडिटोरियल डे टू। सिनोनिम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आज और कल का जो एडिटोरियल पेज है उससे ये मीनिंग ले गई है बेटा। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीज ऑल द मीनिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न एंड टू नो। देखिए, आइए हम लोग फर्स्ट वर्ड को देखते हैं। आज क्या है फर्स्ट वर्ड आया हुआ है आपके उसी पैसेज में। उसमें क्या है कि पुट ऑफ। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू वट एवर मीनिंग कम्स दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। जब कभी किसी मेन वर्ब में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करके उसका मीनिंग बनाया जाता है और उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है जो एक्चुअल होती है। जैसे कि आप लोगों यहां देख रहे हैं, पुट का मतलब रखना होता है, ऑफ का मतलब बंद करना, तो रख के बंद करना नहीं, यह फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिसाइड और अरेंज टू डिले एन इवेंट्स, टालना, डिले करना, डिफर। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है आपका पुट ऑफ, दैट इज फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी सिनोनिम्स पूछा जाता है तो नाउन होता है तो उसका आंसर्स भी हमेशा नाउन होगा, एडजेक्टिव है तो उसका आंसर्स एडजेक्टिव होगा, वर्ब है तो वर्ब होगा, फ्रेजल वर्ब है तो फ्रेजल वर्ब। जिस मोड में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा जाता है सेम मोड में आपको आंसर्स भी दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड वर्ड, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, अ डिसीजन टू डू समथिंग, प्रस्ताव, मतलब किसी कार्य को करने का प्रस्ताव किसी के सामने रखना। अगला थर्ड वर्ड क्या है, स्ट्रेनस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेनस। स्ट्रेनस की सबसे इंपॉर्टेंट है मीनिंग, एस टी आर ई एन यू ओ यू एस। स्ट्रेनस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एक्सर्शन, जोरदार, बहुत बेहतरीन ढंग से, अच्छे तरीके से क्या करना, कोई कार्य शुरू करना, यह क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसका जब सिनोनिम्स होगा या एंटोनिम्स होगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड है आपका हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब एक नाउन है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस दैट समथिंग और समवन हैज, महत्व, किसी चीज का जो महत्व होता है उसी का मतलब होता है हेफ्ट। ठीक है, अगला फिफ्थ वर्ड दैट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, अगर इसका कभी सिनोनिम्स पूछेगा तो अगला भी सिनोनिम्स जो होगा वह एडजेक्टिव ही होगा बेटे। तो इसमें क्या आ रहा है, ये इसका सिनोनिम्स होगा कंबाइंड, मिक्स्ड, कलेक्ट, ठीक है ना, इसका मतलब संचयी। ठीक है, अगला वर्ड सिक्स नंबर जो दे रहा है वो सिक्स नंबर है आपके सामने क्या है, जल्दी बताएं, सिक्स नंबर है डिल्यूडिंग। डिल्यूडिंग, डिल्यूडिंग का मतलब क्या होता है, यह एक क्या है, यह एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मतलब जो सत्य ना हो उसको, उसके लिए किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। मीनिंग याद करना है, एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप इस तरीके के मीनिंग्स को आप देख लेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं जैसे इसका मतलब क्या होता है, बहकाना। अरे भाई, जब आपकी जो चीज रियल नहीं होती है अगर उसको जबरदस्ती आप बिलीव कराने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या है, बहका ही तो रहे आप। अगर कोई वर्ड, कोई पोजीशंस, मान लीजिए कोई भी हो आपके सामने, अगर वो चीज नहीं होती है फिर भी वो व्यक्ति कहता है ऐसा है ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई आपसे रास्ता पूछता है और आप नहीं जानते रहते फिर भी बता देते ऐसा, आप इधर से चले जाइए, तो इसका मतलब क्या, आप क्या कर रहे हैं, बहका ही तो रहे हैं ना बेटा। तो कहने का मतलब इसमें सिक्स नंबर आपने देख लिया, ये क्या है बताए, डिल्यूडिंग। अगला वर्ड देखते हैं सेवेंथ, स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस एक एडजेक्टिव होता है बेटा, एडजेक्टिव इसका मतलब क्या होता है, लैकिंग नेशनैलिटी, मतलब नागरिकता का ना होना या नागरिकता की कमी होना। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आपका रिपर्क्यूशन। इसके वर्ड का इसका मतलब होता है, इसका यह है क्या है, नाउन है, इसका मीनिंग क्या होता है, यूजली लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब
काफी बड़े समय के लिए, ज्यादा देर के लिए, उसको नतीजे के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगला वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब यह क्या पढ़ा जाएगा, स्लगिस। क्या पढ़ा जाएगा, फिर से पढ़ के बताइए मेरे साथ, स्लगिस। क्या, स्लगिस। तो स्लगिस का मतलब होता है बेटा इनएक्टिव, मतलब सुस्त, ठीक है ना। अगला वर्ड मैंडेट, मैंडेट जन के लिए यूज किया जाता है, मतलब टू गिव ऑफिसियल्स परमिशन फॉर समथिंग, अधिदेश भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो मैंडेट अगला वर्ड क्या दे रहा है बेटा, अगला और लास्ट वर्ड आज का, ये शब्द आपका क्या दे रहा है, वांटेड, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रेज्ड, बोस्टफुली। बोस्टफुली का मतलब क्या हो, डिंगे आंकना, बड़ी बड़ी फेंकना। तो प्रेज्ड बोस्टफुली का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, जैसे आपके बारे में कोई बोल देता है फालतू, आप अरे वाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इतने अच्छे शायद दुनिया में कोई इंसान होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बेटा यह है कि वेंटेड का मतलब होता है, यह एक एडजेक्टिव, इसका मतलब प्रेज्ड बोस्टफुली, ठीक है। तो ये रहा आज के एडिटोरियल, जो कि इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक के पेज से लिया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा वर्ड मीनिंग, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम्स में, इसे आप लोग देखें, पढ़ें और समझें, ठीक है ना। बस इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से।